महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के संजय नगर के ठीक सामने रहनुमा कॉम्प्लेक्स बी विंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले 3 से 4 दिन पहले एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, मगर इमारत में रहने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाया है कि मनपा ये जानती थी कि ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद भी उसे इलाज के लिए नहीं ले गए। हालांकि उसे सोसाइटी से बाहर जाने के लिए मना जरूर किया गया था। आपको बता दें कि इस व्यक्ति की बीवी और 2 बच्चे हैं। सोसाइटी वालों ने बताया कि मनपा कर्मी सिर्फ उस व्यक्ति को फोन करके ये बोल दिए कि आप अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाए, मगर इस दौरान इस पॉजिटिव व्यक्ति ने ऐसे सैलून से एक व्यक्ति को रहनुमा कॉम्प्लेक्स में बुलाया और अपने बाल दाढ़ी बनवाए, यानी कि इस पॉजिटिव के संपर्क में अब एक सैलून वाला भी आ गया और इस सैलून वाले ने और भी कई लोगों के बाल दाढ़ी बनाए हैं, यानी कि सैलून वाले के संपर्क में और भी कई लोग अब आ चुके हैं। और अब सोचिए कि जिन लोगों ने बाल दाढ़ी बनवाए हैं वो लोग मुंब्रा में कहां कहां खुलेआम घूम रहे होंगे। यही नहीं, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये पॉजिटिव व्यक्ति जब कालशेखर अस्पताल में भर्ती होने के लिए जा रहा था तो अपनी बीवी को घर में बंद कर दिया और एक बच्चे को अपने पिता के पास कर दिया और एक बच्चे को अपने भाई के घर कर दिया। और ये पॉजिटिव व्यक्ति अपने भाई के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कालशेखर अस्पताल जाकर भर्ती हुआ। अब ये ऑटो रिक्शा वाला भी इस पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गया और अब ये ऑटो रिक्शा वाला कौन है और ये पूरे मुंब्रा शहर में ऑटो रिक्शा लेकर घूम रहा होगा, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही मनपा की सामने आ रही है और मनपा ने सिर्फ रहनुमा कॉम्प्लेक्स को सील ही किया है। इस पॉजिटिव व्यक्ति के भाई और पत्नी, पिता, बच्चे, परिवार, किसी सदस्य की जांच तक नहीं की गई है। कम से कम क्वारंटाइन तो इसके परिवार वालों को करना ही चाहिए था, मगर ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं और सैलून वाले को भी किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई है। उसके संपर्क में भी कितने लोग आए और वहीं रिक्शा वाला भी अब कहाँ है, घूम रहा है, कितने लोग उस रिक्शे वाले के संपर्क में आए। मनपा कर्मियों को इसकी जांच कर सभी को ढूंढना चाहिए। वैसे भी मुंब्रा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 184 हो गई है, ऐसे में इतनी बड़ी मनपा की लापरवाही से आज कई लोग कोरोना की चपेट में आ सकते। वैसे भी सैलून वाला और उस पॉजिटिव व्यक्ति का भाई, उसकी बीवी, बच्चे, उसकी जांच होनी चाहिए और सभी को क्वारंटाइन भी करना चाहिए, मगर मनपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुंब्रा में और भी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो रहनुमा कॉम्प्लेक्स और आसपास की इमारतों को दमकल कर्मियों ने सैनिटाइज तो कर दिया है, मगर खतरा बरकरार है क्योंकि सैलून वाला और पॉजिटिव व्यक्ति का भाई और सैलून वाले के संपर्क में आने वाले लोग जो मुंब्रा में खुलेआम घूम रहे हैं। मनपा की लापरवाही पर सोसाइटी वालों ने क्या आरोप लगाया है, सुनिए। ये हमारे बिल्डिंग में एक पॉजिटिव केस निकला है, मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। तो जैसा मुझे पता चला कि भाई सवेरे के टाइम पे म्यूनसिपालिटी सील करने के लिए आने वाली है, तो हम लोग एकदम ताज्जुब में हो गए, भाई ऐसा क्या हुआ और किसका हुआ। तो जब हमारे को सील करते टाइम पे उन लोगों ने नाम बताया तो पता चला रही ये तो आदमी 2 दिन तक के, मतलब 1 दिन पहले तक के हमारे इधर ही था, बिल्डिंग के अंदर बराबर आ रहा जा रहा था। तो ये 16 तारीख को इसकी रिपोर्ट आ गई और हमारे को 17 तारीख को पता चला। और अभी हमारे को ये भी पता चला कि वो 16 तारीख को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट कालशेखर में होने के लिए जा रहा था तो वो आदमी बाल कटवाया, दाढ़ी बनवाया, इधर एक ऐसे सलून है रईस भाई करके, उनसे दाढ़ी बनवाया और बाल कटवाया। अच्छा, ये बाल दाढ़ी कहाँ पे कटवाए थे? इधर ही है, घर में बुला के उसने कटवाया। इसी बिल्डिंग में, बाजू की बिल्डिंग में, हजा में ऐसे सलून वाला ने बाल दाढ़ी इसी बिल्डिंग में कटवाया, इसी बिल्डिंग में घर के अंदर उसने बुलवा के कटवाया। उसको पॉजिटिव हो गया था और वो हॉस्पिटल में जाने वाला था। तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि म्यूनसिपालिटी
कल 17 तारीख को हमारे इधर आके बिल्डिंग को लॉक करके गए। अभी तक के म्यूनसिपलिटी का कोई नोडल ऑफिसर इधर नहीं आया कि इसकी फैमिली किधर है, क्या है, कौन क्या है। जैसे हमारे को, हम बिल्डिंग के अंदर रहते तो उसके दो बच्चे, एक वाइफ है, तो अभी हमारे को पता चला कि उसने उसके एक बच्चे को इधर ही बिल्डिंग में, दूसरी विंग में उसके डैडी रहते, उधर उसने रखा है बच्चे को जो हाई रिस्क में, और दूसरा बच्चा उसने संजय नगर में उसका भाई रहता उधर उसने ये किया है। तो उसका भाई भी कल इधर आया और वो बता रहे कि हम लोग खुद ही जाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए कालसेकर में, और कालसेकर की वो बता रहा था कि सिस्टम बराबर नहीं है, और वो खुद कालसेकर हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के साथ में इधर उधर वो घूमा है, और वो अपने घर के ऊपर भी इधर भी आ रहा जा रहा है और संजय नगर में भी आ रहा जा रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब म्यूनसिपलिटी की तरफ से अभी तक के इसके अगेंस्ट, यानी उसका भाई भी घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। ये जो पॉजिटिव पेशेंट मिला था, इसके परिवार वालों को क्या मनपा ने क्वारंटाइन नहीं किया? अभी तक चेक करने के लिए मनपा से कोई नहीं आया, जबकि ये 16 तारीख को इसका सील मारने के लिए कल आया। और हमारी बिल्डिंग में भी अभी तक के कुछ कौन आया ही नहीं के पूछने के लिए कि पेशेंट के कौन रिश्तेदार है, क्या है क्या नहीं। हम लोग खुद परेशान है कि भाई अभी इसके दोनों बच्चे लोग एक विंग में रह रहे हैं, और उसके बाप को भी उन लोगों ने रिक्स पे डाल दिए, प्लस उसके भाई ने एक बच्चे को लेके गया वो भी हाई रिक्स पे, प्लस वो जो संजय नगर में रहता वो बिल्डिंग भी हाई रिक्स पे चली गई है, और भाई खुद हॉस्पिटल के अंदर जाके आया छोड़ा है, और अंदर वो खुद बता रहे कि कालसेकर हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में अच्छा क्लाइमेट नहीं दिख रहा है। यानी कि उसका पूरा परिवार अभी घूम रहा है पूरा, खाली इधर जो बिल्डिंग में लॉक है वो उन लोग, हम लोगों ने उसको थोड़ा, वाइफ और एक बच्चा जो है अभी कमरे में है, इस कमरे में उसका, एक वाइफ को एक अलग और एक बच्चा जो है वो बाहर है वो। तो यही बोलने का मतलब है कि कब ये होएगा, और ये तो इस तरीके से तो मुंगोरा में बहुत सारे केसेस बढ़ेंगे अगर इन लोग फर्स्ट हैंड पे आके नहीं चेकिंग करेंगे और फैमिली से इन लोग ये नहीं करेंगे। तो ये हमारा बोलने का मतलब है, मुंगोरा पूरा हाई रिस्क पे जा रहा है, तो इसका कारण म्यूनसिपलिटी है। म्यूनसिपलिटी का काम बनता है कि जब कोई पेशेंट पॉजिटिव आया तो तुरंत आके वो बिल्डिंग से मिले, वो कौन रहता है, उनके घर वाले किधर है, क्या नहीं है, इन लोग नहीं चेकिंग करेंगे तो ये तो बहुत इशू होने वाला है। प्लस ये हजाम ने जिसने दाढ़ी बनवाई, ये बताया पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मनपा कर्मी उसको लेकर नहीं गए, उसके सिर्फ बोलकर चले गए कि आप जाके एडमिट हो जाओ। ये हमारे को ऐसा भाई से पता चला है। अच्छा। हाँ, कि मनपा वाले लोग ने उसको फोन किए कि कुछ बोले कि 3:30 बजे आपको दूसरे दिन है ना एडमिट होना है, या फिर हम लोग आएंगे लेने के लिए, तो उसके पहले ये 3:30 बजे के पहले कालसेकर में जाके एडमिट हो गया ये। लेकिन एडमिट होने के पहले इसने जो दाढ़ी बाल बनवाया हजाम से घर पे बुला के, वो कितना हाई रिस्क में हो गया। और हमारे को अभी ये पता चला कि वो हजाम ने और 8-10 लोगों के बाल भी कटवाए, दाढ़ी भी बनवाई, तो वो लोग भी कितने हाई रिस्क में चल रहे हैं। तो अभी ये टाइम तक के तो कोई म्यूनसिपालिटी वाला इधर आया नहीं, जिसमें रहता उसने वो एड्रेस नहीं लिखाया पेशेंट ने, जहाँ उसका बाप रहता उधर का उसने एड्रेस लिखाया। तो बोलने का कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूनसिपालिटी इसके ऊपर ध्यान दे, नहीं तो मुमरा में ये जो रिस्क है ना बहुत बढ़ते जाएगा लोगों से दूसरा, और ये कनेक्शन बढ़ते जाएगा। आपका काम है म्यूनसिपालिटी, जो भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है आप तुरंत आओ, उनसे इंक्वायरी करो, उनके घर वाले कौन है, उनके बच्चे कौन है, वो किधर है, क्या है, उसके बारे में आप इंक्वायरी करो, नहीं तो ये बहुत तकलीफ है। हम भी बिल्डिंग वाले लोग हाई रिस्क में हो गए हैं, ऐसे और कितने लोग हाई रिस्क पे हो रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा आपकी न्यूज़ की तरफ से है कि भाई इसको जल्द से जल्द ध्यान दो और उनके घर वाले लोग को क्वारंटाइन में करो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।